तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम भाई। इस टाइम अपा झज्जर विधानसभा में हाँ, और कुछ हमारे बुजुर्ग भाई खड़े भी हैं, बतला लें तो राम राम जी। राम राम जी। और ठीक ठाक? हाँ जी बिल्कुल। सेहत पानी जमा सिंह बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया जी। वाह जी, कमल का निशान के लिए ले हंडो आप तो। कमल का निशान कर लिया है जी हम तो। अच्छा। हाँ जी, शुरू से चल रहे हैं इसके पीछे कि अपना बालक है, भाई है, बच्चा है, काम करेगा, नाम नाम रोशन करेगा बीजेपी का। अच्छा। इसलिए मतलब घूम रहे हैं। तो के लग है जितने के कितने का सार है? एक कप्तान बिरदाना के बहुत बढ़िया साहब। एक तो पहला इलेक्शन है बिल्कुल, मोदी सरकार कैप्टन भाई बिल्कुल। एक तो पहला गीता भुक्कल रानी थोड़ी मुश्किल ही लग है। कोई मौजूदा कौन है गीता भुक्कल का? ये तो ये नाम ने पेपर भर दिया, इसने तो नतीजा सुनाना बाकी है बस। अच्छा, हो रहा है बढ़िया काम, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, इसकी गैल है। आप एक तरह इलेक्शन है तो। राम राम जी। राम राम जी। माहौल के है आपके जिले का? सबसे पहले तो आप पत्रकार भाइयों को हमारी तरफ से कप्तान के ऑफिस में आए हो, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। माहौल जी एक तरफा है, बहुत बढ़िया। अब के बार बीजेपी ने ऐसा प्रत्याशी दिया है कि वो बोलते हैं ना कि लंगोट मानन जोगा नहीं छोड़ेंगे, आके ईसा हाल का हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सबसे मिलातू आदमी, सबको जानने वाला आदमी, फिर रेपुटेशन है। गीता भुक्कल ने तो ऐसा बैठा बैठा दिया झज्जर डिस्ट्रिक्ट का कि पूरे हरियाणा में ऐसा नाम रोशन कर दिया गड्ढों का, पूछो मत। गड्ढों का नरे गड्ढे गड्ढे, किसा रोड पर लिख लियो आप, देखो गड्ढे कितने मिलते हैं, सरसुद्धे गड्ढे, ऐसे ऐसे हालात कर दिया उसने भाई। सब राम राम। राम 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 राम। कैसे हो जगदीप भाई? एकदम बढ़िया। सर के सभी दर्शकों को राम राम। चलो अच्छा, आपकी मैंने वो डिबेट देखी थी एक दिन, वो पार्क में आपके समर्थक और सारी पार्टियों के समर्थक थे, डिबेट का निष्कर्ष कह रहे हैं उस दिन था, तीन चार दिन पहले। डिबेट का निष्कर्ष बहुत अच्छा रहा, जहाँ जितने भी वहाँ समर्थक या शहर के लोग खड़े थे सभी ने एक सुर में ये बोला कि कप्तान बिरदाना इस बार ना घमंड ना अहंकार, कप्तान बिरदाना अब की बार। इस घमंड और अहंकार है किसमें फिर? ये रहा ये उसमें रहा भुक्कल में अहंकार है, वो तो राम राम भी ना बोल रहा है, वह तो उस आदमी ने उनमें पूरी में अहंकार हो रहा है। मैं आपने एक डिबेट सुनाता हूँ, क्या बोलता है पता है? उन ताई ये बेचारे लोकास्ट वाला जमाना ताई नहीं बोलिए, क्या बोले आगे हमारी डोली में मच्छर चाहिए घास काटने के लिए। वो लेडीज क्या बोल रही है पता है? कि तुम्हारे को यही अहंकार लेके डोबेगा डोली पर, नहीं माधोरम की हिम्मत है। बोले आलू 40 खा रहे हो, बोले 60 भी खा सकते हैं, 80 भी खा सकते हैं। तो इन्होंने तो ये कर रखा है आजकल पूरे हरियाणा में, इतना गदर मचा रखा है पूछो मत। उड़ा साहब भी दिन 2 लाख नौकरी देवांगे ऐसा वो विपक्ष में है। आज आप उनसे 10 लाख की आ भरवा लो, 10 की भी बोल देंगे, लेकिन जनता इनकी बातों को समझ चुकी है। इस बार जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है, और सबने मन बना लिया कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, और हमारे भाई कप्तान बिरदाना उस विधानसभा का हिस्सा होंगे, और ये जनता का जन समर्थन उनके साथ है। कप्तान साहब में इतनी खास बात कहे, मैं कई जगह जाया, मैं जी किरिया ढाबे बैठ जावा, होटल में बैठ जावा, तो जिक्र चला भाई कप्तान है ना, इन्हें कम मेहनत इसकी कई साल की है, और कोई लाग लपेट में नहीं है, बड़ी आदमी है। ऐसा जो मैं इंसानियत है ना, जो उनके पास लोग आते हैं उनको बड़े प्यार से सुनना, और उनके काम को तुरंत प्रभाव से डीसी को कहना, डीसी को, एसडीएम को कहना, एसडीएम को, संबंधित अधिकारी को मौके पे निदान करने का काम उन्होंने जिला परिषद का चेयरमैन बनने के बाद किया, और पिछले 20 साल से वो जनता के बीच में रहते हैं, और जनता के हितों की लड़ाई को उन्होंने बड़ा अच्छे से लड़ने का काम किया, और यही कारण है कि जनता के वो नेता बन चुके, और जनता ने उन्होंने अपना नेता मान लिया है। मैं कई बार यहाँ की जनता में कुछ जो कांग्रेस के भी समर्थक हुए हैं, या कई बार ये नेता नू सुनने मिल जे है कि भाई हमारे पास दो ब्रह्मास्त्र हैं, एक ब्रह्मास्त्र दीपेंद्र हुड्डा, एक ब्रह्मास्त्र भूपेंद्र हुड्डा, जब इलेक्शन पास आ जाएगा दोनों की रैली कराओगे, सारा माहौल, सारा समीकरण बदल जाएगा। ऐसा पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली हुई है, अब इस लहर के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, और पूरा जन समर्थन भाजपा पार्टी के साथ है। और कप्तान बिरदाना जी की मैं बात करूं तो कप्तान बिरदाना जी लार्जेस्ट मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और ये मैं नहीं, ये जनता कह रही है, और आपको, आप तो पूरे हलके में घूम करके आए हो, आपको अब ज्यादा पता होगा, क्योंकि हमें तो सभी कहते हैं वोट देंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारा एनालिसिस है
उससे हम निश्चित तौर पर आश्वस्त है जीत को लेकर के कि हम चुनाव जीतने का काम करेंगे और विकास की गंगा पूरे हलके और शहर झज्जर में बहेगी। आप बोल रहे हो भाई साहब ये दोनों ब्रह्मास्त्र को तोड़ने के लिए हमने अग्नि ब्रह्मास्त्र बना दिया है, उसको तैयार कर दिया है विपक्ष में, ठीक है ऐसे गीता भुक्कल के पसीने आ रहे हैं। अच्छा हाँ जाकर पूछ लिया गीता भुक्कल किसी भी गांव में किसी भी को बुढ़ा मर जाए कोई जवान व्यक्ति मर जाए किसी के गोड्डा निवान जोगी को नहीं है 15 साल से इसको भुगत रहे है, ठीक है सारे जीतने लग रही की में तो क्वालिटी होगी इसको कौन कह रहा जीत रही है। 3 बार तो जीत ली ना, अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, अब की बार आ रहा है जी मेरे तो लिखवा के ले लो बार तो उसके पास कुछ भी नहीं है भाई, वीडियो वाले बाद में लिख लो लिखवा लियो भाई आदमी से। हां जी छोड़ दियो जी, मैं कहता भुक्कल के भुक्कल का था कट्टर और भुक्कल का नहीं था मैं दीपेंद्र का था, दीपेंद्र के समर्थक थे। हाँ जी अच्छा, लेकिन जी यो मेरा भाई है तड़के 9 बजे बैठे था मैं 5 बजे हमने ना पानी ना कोस्ता मैडम पकड़ है भाई मीटिंग है जी, अरे मीटिंग होगी बहन जो अम्बरला हेड बैठे वहाँ मीटिंग है जी, जोर जी का बोला जी अब अड्डा कर हुए। अच्छा हाँ जी, अरे आप भी जानो मैंने आज जो जो पंगा है सब उसका का मैं हूँ जी। अच्छा अरे मेरे सब राम राम भाई, राम राम जी, राम राम के माहौल के असर के लग रहे हैं आज का जो माहौल को देखते हम कि पूरे झज्जर हलके के अंदर एक आवाज है भाई कप्तान बिरदाना, ये आवाज कम से कम 15 साल से एक आवाज बनी, इस आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार की और स्वीकार करके भाई कप्तान बिरदाना को झज्जर हलका में उम्मीदवार उतारा जी। साथियों जी जी, कप्तान बिरदाना हमेशा छत्तीस बिरादरी का प्यारा रहा और हर गरीब आदमी के साथ कंधे से कंधे मिला के, ये तो सारे डायलॉग सारे बोला जी आपने, की खास बात लगी देखिए माहौल के कप्तान बिरदाना में ऐसी वो है जो शायद ही किसी नेता में होंगे, ये इतने कर्मठ ईमानदार और लोगों के साथ मिलनसार हैं, जो ऐसा गुण जो है शायद ही किसी नेता में होता है वो सब गुण कप्तान बिरदाना में है। और बीजेपी जो अब की बार बहुत भारी बहुमत से हरियाणा में आएगी, कांग्रेस जो है देखती रह जाएगी, कांग्रेस 5 लोकसभा की सीट जीत रही है, कुकर देखती रह जाएगी, कुकर लगा है भाई जीत जाओ। कांग्रेस को यहाँ पर जो है लगातार जो झज्जर हल्के से प्रत्याशी बन रही है जी, उसको 3 बार यहाँ से जिता चुके हैं लोग जी, और अब उससे जो अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, सारे हरियाणा के जो अभी जो बीते टाइम गए हैं सारे खराब गए हैं, रोडों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लोग जो है पैदल तक नहीं चल सकते हैं, ऐसा करीब 20-30 साल पहले ही ऐसा होता ना ही तो नहीं था, और अब की बार तो इतना बुरा हाल हो रखा है तो लोगों ने यही मन बनाया है कि अब की बार बीजेपी सरकार को लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से इसको जिताएंगे। जो एक विधायक को सरकार पैसे देती है अपने हलके में कार्य करने के लिए जी, वो पैसा कहाँ जाता है, हर विधायक को मिलता है, ये कहती है कि मेरी सरकार नहीं है, सरकार नहीं है तो फिर क्यों तुझे उसको आने दो आगे जो जो काम करने के लिए, चूंकि कप्तान बिरदाना हलके में बढ़िया काम करवाओगा। वीडियो क्या है ये वीडियो कैसे धमकी दे रहे हैं कांग्रेस वाले कैसे धमकी दे रहे हैं कि घास में काटने देंगे आप लोगों को, बताओ ये भी तो इंसानियत है, इलेक्शन को आए करते रहेंगे, ये घास कहां काटने जा रहे हैं। अच्छा हां नहीं लेते हैं जी जी जी, वो चारा लाने के लिए लेकर गए हैं, सारे को भी काटने के लिए नहीं दे रहे थे, ठीक है बोला कांग्रेस के वोट दोगे तो चारा काटने देंगे, नहीं तो चारा भी नहीं काटने देंगे। सुन ले गीता भुक्कल चार पर्चन पकड़ रही है, उन्होंने वोट मांग मान रही है, सुन ले उन्होंने वोट मान रही है, वोट हम भी गेरा था अरीब का इसकी कप्तान बिरदाना गेरा ना, क्योंकि वो चारा पाता लेके जाती रही है या कितना भी कलायत मटाओ जाजर मटाल करो, अरीब का घनी वोटा से बनाया यो ईमानदार मनसा बीच मर है अल्लाह एक बीच है, यो हर जगह चढ़ाता है कि मैं देखी भी आउट है मारा ला काम पहली बार, इसकी आवाज थी पिछले बार भी थी, पर पिछले बार कम होया किसका टिकट मिली पास देखा ये मिनट
किसका टिकट? नेताजी आगे देखा कैमरा रहा, नेताजी आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। 101 रुपया दे किस ताई, 101 और इसको क्लाइंट को भेजेंगे, 101 का मानतान कर देंगे, तू क्लाइंट जाए। नेताजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज यो माहौल बन रहा है आपके पक्ष में बन रहा है, यो के जादू करया भाई, सारा ही जनता कप्तान कप्तान कप्तान, क्या माहौल ऐसा बन रहा? मैं कोई जादूगर को नहीं भाई, जो लोगों का प्यार है, जो लोगों के बीच में रहे जी, और जिस तरह लोगों की सेवा करने का मौका मिला जी, वही कारण है कि लोग आज जो प्यार लुटा रहे हैं, और वो प्यार लोगों का सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं और कुछ लोगों की प्रवृत्ति इस तरह की होती है जी, कि कोई बगैर मांगे यदि कोई चीज मिलती है तो लोगों को उसका स्वाभाविक घमंड हो जाता है। लेकिन जनता सब जानती है, जो जनता के द्वारा दी हुई चीजें हैं उस पर यदि आदमी कोई घमंड करता है तो जनता उस घमंड को तोड़ने का भी काम करती है, और जनता आगे का रास्ता भी बंद करती है। और वही कारण है कि जो पिछले लगातार 15 साल से विधायक जी का जो घमंड लोगों के प्रति रहा, या लोग कार्यकर्ताओं के प्रति जो अनदेखी रही, आज एक एक आदमी, कार्यकर्ता नहीं मैं एक एक आदमी की बात करूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो और चाहे वो लोक दल पार्टी का हो, सारे के सारे आपके भाई के प्रति जो प्यार जता रहे हैं, 36 बरादरी का जो समर्थन है वो आपके भाई के प्रति। ये जो माहौल मैं देखने लग रहा हूँ रोहतक जो हुडा साहब का गढ़ है, भाई झज्जर बादली और कलानौर तो गया, देखिए गढ़ गढ़ हमेशा जनता का होता है, गढ़ किसी नेता का नहीं होता, और हमेशा गढ़ जो है टूटने के लिए बनते हैं। जो लोगों की आशाओं पर खरा उतरता है, लोग उसको अपना समर्थन देने का काम करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। हुडा साहब भी कहो भाई 2 लाख नौकरियां तो हम भी देवांगे, अब आगे सरकार आओगी तो। हुडा साहब कहते हैं कि हम घोषणा करते हैं जी और देंगे जी, हम देने लेने में विश्वास नहीं करते, हम तो दे के आते हैं। जिस तरह का हमने संकल्प पत्र जो निकाला है जी, हम सनातन धर्म के अनुयायी है, हम संकल्प लेते हैं, जितनी भी घोषणाएं इन्होंने की वो हम पहले ही लागू कर चुके हैं। कप्तान मिर्ज़ादा, झज्जर को लेके क्या आपने रोड मैप तैयार कराया, क्या लोगों के बीच में गए हो, उनसे आपने पूछा भी था हमने के चाहिए और करांगे, आपका पर्सनल मैनिफेस्टो क्या रहा? देखिए लोगों की समस्या है नो डाउट, क्योंकि 15 साल से विधायिका रही और उनकी सोच हमेशा ये रही है कि लोगों के काम ना कराए जाए, और यही कारण रहा कि जो 25 करोड़ रुपए रोडों के मिले वो भी वापस भिजवाने का काम किया, जो 7 करोड़ रुपए सालाना जो ग्रांट मिलती थी विधायक निधि की, 5 करोड़ और 2 करोड़ ग्राम विकास के लिए, वो भी पैसा वापस भेजने का जो काम किया। तो इनकी सोच ये दर्शाती है कि लोगों के प्रति इनका प्यार नहीं है, ये नहीं चाहती कि झज्जर डेवलपमेंट हो, झज्जर का विकास हो। लोगों आज जिस तरह का उत्साह, लोगों का प्यार आपके भाई के प्रति है, तो लोग 36 बरादरी के साथी हमारे एक मन बना चुके हैं कि अपने भाई को चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। जो डेवलपमेंट के, काम झज्जर में बचे हुए हैं जी, जैसे बिजली का 24 घंटे कहते थे कि 24 घंटे बिजली देंगे, वो हम करके आ चुके हैं। जब बरसाती पानी की निकासी की बात है, आधे से ज्यादा गाँव में हम बरसाती पानी की निकासी का प्रबंध कर चुके हैं, कुछ बचे हुए उनमें करेंगे। उसके अलावा एक कोशिश है हमारी कि हम अपने युवाओं को यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बढ़ावा दे करके रोजगार प्रस्त करने का काम करें, अच्छी सी कोई एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी सरकार की आए ताकि हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, पीजीआई टाइप का कोई इस तरह का आए जो पीजीआई हम यहाँ लेके आए हमारे इलाके के अंदर, ताकि हमें स्वास्थ्य के लिए लोगों को इधर उधर ना भागना पड़े। तो ये हमारी मेरा अपना मिशन भी है कि वो सुविधाएँ लोगों को दे जिससे 15 साल से लोग महरूम हैं, वो हम 5 साल में करने का काम करेंगे। क्या आगे का आपने यूं लगे भाई हाँ आप ही जीतोगे, आप ये कर पाओगे, और क्या माहौल लोगों की तरफ से और आ रहा है भाई? आपके साथ कितने लोग ऐसे नए जुड़े हैं जिसे लगे भाई यहाँ कांग्रेस के टूट टूट का मार दो राय हैं इसलिए हम जीतेंगे, ऐसा कोई है माहौल, ऐसा कोई समय नहीं? मेरे साथ नया कोई नहीं जुड़ा जी, मेरे तो सारे पुराने हैं,
मेरे तो सारे ही पुराने हैं, कांग्रेस के थे वो भी पुराने हैं, मेरे लोकदल के थे वो भी पुराने हैं, बीएसपी के थे वो भी पुराने हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी हैं ही सारे जी। तो लोगों ने मन बनाया है, ये लोगों की आवाज है जी। अगर लोग कह रहे कि जिता के भेजेंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं जीत रहा हूँ, मैं कभी घमंड की बात नहीं करता और ना इस तरह की मेरी सोच, जो लोगों की सोच और जो लोगों ने मन बना लिया है, अब लोगों के आगे देखो, लोगों का गढ़ है, लोग करेंगे जो करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं जी नमस्कार। आप यूं माहौल कहना चाहोगे पूरा इलेक्शन जो चल रहा है? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बन रही है जी। और हमारे झज्जर विधानसभा के हमारे आदरणीय भाई कप्तान बिरदाना जी यहाँ से झज्जर से चुनाव जीत रहे हैं जी। और कांग्रेस के अभी बुखला चुकी है कांग्रेस, आप देख रहे हो लगातार कितना बुखल गाँव गाँव में घूम रही है। पहले तो कंपेनिंग का समय घूमे तो कीजिए, नहीं नहीं वो पहले तो उधार के रेमोक्रम पर बढ़ती आ रही थी, लेकिन पिछले तीन योजनाओं से लगातार वो बनी है। तो अभी पब्लिक ने मन बना लिया है कि अब की बार यहाँ कमल का फूल ही खिलेगा और झज्जर की जनता अब की बार कमल का फूल अवश्य ही खिलाएगी। आप देख रहे हो, जनता से पूछ सकते हो, हर व्यक्ति का मन बढ़ चुका है कि अब की बार भाई कप्तान बिरदाना को जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यहाँ पे माहौल तो लगे है जो आप देखने लग रहे हो, बाकी यहाँ पे और मेरे भाई खड़े हैं, भाई राम राम भाई, भाई राम राम भाई, के कुछ लग है लोगों में बैठो, आप तो सारे दिन गिले रहो लोगों में बैठो, बात के चल रहा है, कितने भी चले जावा सब नुका हमने कप्तान चाहिए ठीक है। लोग नुका है, तीन बार विधायक बनने के बाद भी ठीक है, इतना पैसा मिलने के बाद भी इन्होंने यूज नहीं किया, इन्होंने लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम किया है। तो सब यही कहते हैं कि अब की बार कप्तान बिरदाना यहाँ से जीतेगा और पूर्ण बहुमत से जीतेगा। कप्तान बिरदाना की खास बात के भी खास बात ये है कि कप्तान बिरदाना हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सुनते हैं, और जिला परिषद के चेयरमैन होने के नाते लोग उनके साथ इतने जोश से लगे हुए हैं कि अब की बार कहीं भी जाएं, माते नेल में जाए या कहीं भी पूरे झज्जर हलके में जाए, यही कहते हैं कि अब की बार कप्तान बिरदाना जी, अब की बार कप्तान बिरदाना। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में रह दे, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।